हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेलीवुड रीप्ले। तो गाइस, ये वीडियो है अनुपमा फैंस के लिए, और इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अनुपमा के जो मेकर्स हैं वो क्या सब प्लान कर रखे हैं आने वाले एपिसोड्स में, क्या सब हमें देखने को मिलेगा और क्या सब करेंटली प्लान किया जा रहा है। तो गाइस, सबसे पहली बात के ऊपर आते हैं, और वो बात है अनुज और अनुपमा से रिलेटेड। काफ़ी समय पहले, शो के काफ़ी एपिसोड्स पहले, अनुज और अनुपमा एक दूसरे से अलग हो गए थे, अमेरिका वगैरह का ट्रैक आ गया था। तो वो सब के चलते हुए ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा मिस किया है कि अनुज और अनुपमा के साथ में रोमांटिक मूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, और ऑडियंस बार बार ये भी कह रही थी कि इन दोनों का रीयूनियन करवाओ। तो वाइज इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज इनका रीयूनियन होना तो तय ही था। जब सेपरेशन हुई थी, मैंने बताया था कि यहाँ पर एपिसोड्स काफ़ी बनाए जाएंगे, ट्रैक हैं, लेकिन आने वाले समय में आगे चलकर इनका रीयूनियन डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि आने वाले एपिसोड्स में मेकर्स यही प्लान कर रहे हैं कि फुल फ्लेज्ड अनुज एंड अनुपमा का रीयूनियन हमें देखने को मिले, और अनुज एंड अनुपमा, जिनके दिल में अभी भी एक दूसरे के लिए पूरी अच्छी तरह से जगह बनी हुई है, तो ये बहुत अच्छे से रीयूनाइट होंगे आगे चलकर, मेकर्स ने ऐसा सोचा हुआ है। लेकिन अभी के लिए कुछ समय लगेगा, ऑफकोर्स एकदम से सीधा ऐसे रीयूनाइट नहीं हो जाएंगे, थोड़े थोड़े एलिमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे इनका रीयूनियन होना जैसे शुरू हो गए, फिर से कनेक्ट होने लगेंगे, और फिर आगे चलकर एपिसोड्स में कुछ समय के बाद हमें इनका ढंग से प्रॉपर वाला रीयूनियन भी देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो कि ये चाहते थे, लेकिन ऑफकोर्स थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही, लेकिन स्लोली स्लोली ये ट्रैक के ऊपर अब बिल्ड अप किया जाएगा मेकर्स की तरफ से, और जिस चीज़ की मांग काफ़ी समय से चल रही थी वो अब दी जाएगी ऑडियंस को। एक और दूसरे बड़े अपडेट के पे आते हैं, जो कि है सुकीर्ति कांडपाल का कैरेक्टर, जो कि शो में श्रुति का कैरेक्टर निभाती है। तो गाइस, इनके हेटर्स भी रहे हैं इस कैरेक्टर के, बिकॉज ऑफ कोर्स नेगेटिव कैरेक्टर, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसके कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि अनुपमा से ज़्यादा श्रुति को देखना पसंद करते हैं। तो अनुपमा की ऑडियंस ऐसी अलग अलग तरह की है, कई लोग तो अनुपमा को ही गालियाँ देते हैं। लेकिन एनीवेज, हम इस वीडियो में ये बात कर रहे थे कि सुकीर्ति कांडपाल का शो से एग्जिट हो सकता है या फिर नहीं। तो वाइज येस, आने वाले टाइम में सुकीर्ति की शो से एग्जिट होने वाली है। मेकर्स ने ये प्लान किया है करंटली कि श्रुति शो को लीव कर देंगी और उनकी कहानी यहाँ पर एंड हो जाने वाली है। लेकिन एक और चीज़ बता दूँ कि इनका जो एंड किया जाएगा करेक्टर, जब भी स्टेप अवे करेंगी ये शो से, तो उसके बाद इनके करेक्टर को परमानेंटली एंड नहीं किया जाएगा। इनके कैरेक्टर की जो एंडिंग रहेगी वो कंप्लीटली ओपन एंडेड रहने वाली है। कहने का मतलब ये है कि अगर वापस इनको शो में मेकर्स कभी भी लेकर आना चाहे, तो इनके लिए जो दरवाज़ा है वो हमेशा खुला रहेगा। इनके कैरेक्टर को प्रॉपर फुल स्टॉप नहीं दिया जाएगा, इनके कैरेक्टर की वापसी हमेशा या फिर कभी भी हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल के लिए इनके कैरेक्टर की एग्जिट करवाई जाएगी आने वाले एपिसोड्स में। अनुज को लेटर लिखेंगी और कहेंगी कि वो दूर जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन डेफिनेटली आने वाले समय में आगे चलकर कभी ना कभी मेकर्स इनके कैरेक्टर को वापस लेकर आ पाएंगे। इनके कैरेक्टर को परमानेंटली शो से नहीं भेजा जा रहा है, ओपन एंडिंग दी जाएगी इनके कैरेक्टर को। कमेंट सेक्शन में बताइए आपका इस पर क्या रिएक्शन है। अनुपमा के आने वाले दिनों में जो सारे अपकमिंग अपडेट्स होंगे उन पे भी मैं वीडियो बनाकर अपडेट आपको देता रहूँगा। सारी अपकमिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।